खबर यूपी के जनपद मुरादाबाद से, जहां आज राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष अजीत सिंह चौधरी के नेतृत्व में दूसरी बार लोकदल कार्यकर्ताओं ने गन्ने का लाभकारी मूल्य घोषित न होने पर मुरादाबाद मुख्य डाकघर पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम 500 किसानों द्वारा भेजे गए संदेश पोस्ट की और जल्द गन्ना मूल्य घोषित करने की मांग की। यह तस्वीरें हैं मुख्य डाकघर मुरादाबाद की, जहां दूसरी बार पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गन्ने का लाभकारी मूल्य घोषित कराने के लिए मुरादाबाद डाकघर से किसान संदेश पत्र पोस्ट करवाए। मुरादाबाद में जिला अध्यक्ष अजीत सिंह की अध्यक्षता में चल रहे इस अभियान को किसानों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। जिला अध्यक्ष अजीत सिंह का कहना है कि अब तक विभिन्न गांव में पहुंचकर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं द्वारा उन्होंने कहा कि 1000 पत्र मुरादाबाद से भरवाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के किसान की हालत बद से बदतर हो गई है। 3 महीने से गन्ना फैक्ट्री चल रही है, उसके बावजूद आज तक गन्ने की फसल का मूल्य तय नहीं हुआ। यदि जल्द गन्ना मूल्य घोषित नहीं हुआ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार 10 जनवरी के बाद राष्ट्रीय लोकदल बड़े आंदोलन को बांधेगी। इस पीड़ा को महसूस करते हुए देश के किसानों और नेता चौधरी जयंत सिंह ने गन्ना किसानों से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के नाम 1,00,000 पत्र लिखवाने का लक्ष्य तय किया। इस अभियान को राष्ट्रीय लोकदल संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत आज मुरादाबाद के विभिन्न गाँव को अलीपुरा, कोई काजीखेड़ा, मनकुवा, भीकनपुर, सुंदरपुर, चाऊपुरा, चंगेरी मिलक, मलपुर, भलादा, सेरवा, धर्मपुर, जेवड़ा, इस्लामनगर, काफियाबाद, गोहरपुर, शैदापुर, कुरी आदि गांव से लगभग 1000 पत्र भरवाकर मुख्यमंत्री योगी को डाकघर से प्रेषित करवाए जा चुके हैं। इस मौके पर मुख्य रूप से अजित सिंह एडवोकेट, जिला अध्यक्ष निवर्तमान जिला अध्यक्ष मनोज चौधरी, चौधरी तेजवीर सिंह, धीरेन्द्र रस्तोगी, मनीष सिरोही, दीपक रंधावा, अजीत सिंह मुंडाला, दलवीर सिंह, कपिल सिंह, याबर अली, शादाब खान, सलमान, मोहम्मद शाहरुख अली आदि लोग मौजूद रहे। मुरादाबाद से अभय केसरी, ब्यूरो रिपोर्ट। अजीत सिंह जी, जो आज आपने ये मुख्य डाकघर मुरादाबाद में जो आप लोग पहुंचे थे, क्या है मामला? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जो एक मीडिया के जरिए इस बात को रखने के लिए पहल की है। डॉक्टर साहब, आज हमारा क्या है कि राष्ट्रीय लोकदल के शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी द्वारा एक मुहिम चलाई गई है, किसान संदेश अभियान। इसमें हम लगातार किसानों की समस्याओं को बढ़ चढ़ कर उठाने का काम कर रहे हैं। किसान संदेश अभियान के तहत क्या है कि गन्ने का मूल्य लाभकारी मूल्य की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। पेराई सत्र 2022-23 में पिछले साल चुनाव थे तो 26 सितंबर को ही गन्ने का मूल्य निर्धारित कर दिया गया था और मिल चली थी 1 नवंबर को। पूरा सीजन खत्म होने को आ रहा है, 3 महीने हो चुके हैं, इस सरकार ने अभी तक गन्ने के मूल्य की कोई भी घोषणा नहीं की है कि वो कितने रुपए होगा, बढ़ेगा या क्या होगा। गन्ना किसान अपने आप को ठगासा महसूस कर रहा है। हर चीज़ का एक रेट फिक्स होता है पहले कि अगर हम पेट्रोल लेने जाएंगे तो इतने रुपए है, डीजल लेने जाएंगे इतने रुपए हैं, कोई भी सामान हम खरीदेंगे, पर हम गन्ना जो है गिर रहे हैं, उधारी में गिर रहा है, कोई पता नहीं हम लोगों को कि गन्ने के किसान को कि क्या है। तो उसी अभियान के अंतर्गत इस मुहिम में हम माननीय मुख्यमंत्री जी को 1,00,000 पत्र किसानों के द्वारा भिजवाए जा रहे हैं। हमने क्या काम किया है कि हम विभिन्न विभिन्न गाँवों में, कम से कम सैकड़ों गाँव हमने कवर कर चुके हैं अभी तक, उसमें हम किसानों के पास जाकर के उसको अपनी इस मुहिम को बताया तो किसानों में भारी उत्साह देखने को मिला है। किसान बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और कुछ किसान ऐसे भाई अपने ऐसे हैं जो पोस्ट ऑफिस तक नहीं जा सकते, उनको वो काम कर रहे हैं क्योंकि इस कड़कड़ाती ठंड में पूरा किसान वर्ग अपना खेतों के काम कर रहा है। तो उस पत्र को भरवा करके हमने जो है स्पीड पोस्ट, आज कम से कम 500 पत्र भरवाए हैं हमने और उसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया गया है। ये पत्र आप स्वयं लिख रहे हैं या फिर किसान वर्ग लिख रहे हैं? किसान, हम सिर्फ अपनी मुहिम लेकर के किसानों के बीच में जा रहे हैं और किसान को जब हम बताते हैं कि हम इस कारण आए हैं तो किसानों में भारी उत्साह के साथ अपने फार्म, अपने आप खुद बेचारे किसान आते हैं और फार्म भरते हैं कि ये बिल्कुल मुहिम राष्ट्रीय लोकदल की ही पहल है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी है, कमेरों की पार्टी है और किसानों की आवाज़ यदि कोई उठा रहा है तो वो सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल उठा रहा है। तो क्या ये सिर्फ मुरादाबाद में ही पत्र भेजे गए हैं या पूरे उत्तर प्रदेश में ये फार्म भेजे जा रहे हैं? किसान संदेश पत्र पूरे उत्तर प्रदेश में
11 जनवरी तक हमारा टारगेट है। अगर 11 जनवरी तक ये मूल्य की घोषणा नहीं करते तो राष्ट्रीय लोकदल एक वो ऊपर से कोई आदेश आएगा तो उसके द्वारा कोई ना कोई बड़ा कदम उठाने की कोशिश करेगी।